गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 8 में अध्याय 4 भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे। जैसे कि हमने ब्रिटिश शासन में पिछले अध्याय में पढ़ा था, ब्रिटिश शासन की नीतियों का भारतीय जनजीवन में क्या प्रभाव पड़ा और कृषि, वन, शिक्षा, दस्तकारी, शिल्प आदि क्षेत्रों में बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। ये सब चीज़ जिसके कारण हम 1765 से 1856 के बीच भारत के विभिन्न भागों में बहुत से विद्रोह हुए, मतलब जिन इनमें से सन्यासी, बाहर, पोलीगर, संस्थान, मोपला के विद्रोह भी प्रमुख था। और ये 1857 में विद्रोह हुआ, इसलिए अंग्रेजों ने शक्तिशाली सेना के द्वारा आसानी से आम इंसान को कुचल दिया गया था। मगर 1857 में जो विद्रोह हुआ वो व्यापक क्षेत्र तक फैला और भारतीय समाज के किसान, कारीगर, जमींदार और पुराने रजवाड़ों के नवाब आदि वर्गों के लोग भी शामिल हुए जो ब्रिटिश शासन के नीतियों में असंतुष्ट थे। जैसे कि हमने ये मैप देख रहे हैं, भारत 1857 ईस्वी में भारत की वर्तमान बाह्य सीमा, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से कोलकाता, दमनदीप, यहाँ इलाहाबाद, राजस्थान, दिल्ली, ग्वालियर, ये यहाँ से पूरा हमारे क्रांति आए, उत्पन्न हुए और विद्रोह यहाँ से स्टार्ट हुआ। जैसे कि ये दिख रहा है कलकत्ता, बंगाल, बिहार, इलाहाबाद, ग्वालियर, आगरा, दिल्ली में इस जगह, राजस्थान, और ये सभी जगह में सबसे ज़्यादा विद्रोह हुआ। बाकी पूर्वी और उत्तर पूर्व में और दक्षिण में कम रहा। आगे हम देखते हैं 1857 के विद्रोह में पूर्व अंग्रेजों के नीतियों को पुराने शासक एवं जनता, अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं और सहायक संधियां की जनता पर पालन अपनी मर्जी के अनुसार ही किया करते थे। कौन करता था? ब्रिटिश शासन हमेशा आम जनता को अपने मर्जी के अनुसार कार्य करवाना, काम कराना, ये सब चीज़ ब्रिटिश शासन के रूप में किया जाता था। अब देखो, राजाओं ने डलहौजी के विलय नीति के लिए प्रति बढ़ा असंतोष। क्यों डलहौजी के विलय नीति में प्रति बढ़ा असंतोष क्यों बढ़ा? क्योंकि वो पहले शासन चलाते थे, उसके दुर्व्यवहार करना, झांसी का पुनः अवध प्रमुख राज्य बना लेना, ये सब चीज़ उसके मुख्य कारण थे। क्यों कारण बना? आगे टॉपिक में पढ़ते हैं। जैसे कि झांसी के मृत राजा के दस्तक पुत्र डलहौजी ने उत्तराधिकार नहीं माना और 1853 झांसी राज्य पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और 1851 में पेशावा बाजीराव की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसके पुत्र नाना साहब पेशावा को मिलने वाले पेंशन को भी कौन बंद कर दिया? अंग्रेज लोग बंद कर दिए। अब अवध के नवाब वाजिद अली साहब पर कुशासन, मतलब उसके कूटनीति के आरोप लगाकर उसका भी राज्य छीन लिया गया और अंग्रेजों ने नई लगान व्यवस्था लागू कर दी जिसमें जमींदार, भूमि स्वामी एवं शक्ति समाप्त हो गई थी। अंग्रेजों के इन नीतियों से शासक, सैनिक, जमींदार, भूस्वामी, कारीगर आदि सभी वर्ग के लोग प्रभावित रहे और इसमें इस भावना से असंतोष की भावना में बल होने लगी। जैसे कि पहला आगे बढ़ते हैं, किसानों और दस्तकारों के बदतर हालात का मतलब भी समझ रहे हो कि आपने पिछले पाठ में पढ़ा है कि बदतर हालात क्या है। जैसे कि अंग्रेजों में विभिन्न भू राजस्व नीतियाँ परिणाम स्वरूप किसानों का हालात पहले से ही खराब हो गया। साहूकार से कर्ज लेना पड़ता था, साहूकार बड़ी कठोरता से कर्ज लेते थे और वसूलते थे, उसके जमीन जायदाद को बेचना पड़ जाता था, सारे किसान बेरोजगार हो गए। इस प्रकार आम लोगों को कंपनी शासन के प्रति असंतोष की भावना पनपने लगी और कंपनी में चुंगी कर नीति के कारण भारतीय दस्तकार एवं शिल्पी भी बेरोजगार हो गए, शिल्पकार लोग भी बेरोजगार हो गए और इनसे असंतोष की भावना पनपने लगी। धीरे धीरे ये विद्रोह होने लगा।
विद्रोह के भाव में पनपने लगी और ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ आगे बढ़ने में कोशिश किया। किसानों और दस्तकारों के बदतर हालात। अब अगला है भारतीयों के नागरिक एवं सैनिक सेवाओं की उपेक्षा। जैसे कि अंग्रेजों में नीतियों के कारण भारतीय एवं कृषि उद्योग एवं व्यापार की अवनीति हुई, साथ ही अंग्रेजों के भारतीयों को अपने ही देश में ऊंची एवं महत्वपूर्ण पद नौकरियां को वंचित किया गया। भारतीय लोगों को कोई भी पद नौकरियां नहीं दिया जाता था, उसको नीची पद ही दिया जाता था ताकि वो हमारे छोटे पदों में रहे और हमारे गुलाम रहे। भारतीय रजवाड़ नष्ट हो रहे थे और उसके अनुरूप सैनिक आश्रित थे, कर्मचारी दस्तकार शिल्पकार आदि सभी बेरोजगार हो गए और भारतीय नागरिक के सैनिक सेवाओं की उपेक्षा सेवाओं ने भी उनकी उपेक्षा की ब्रिटिश शासन की। और आगे आप देखते हैं सामाजिक आर्थिक धार्मिक सुधारों का विरोध। कंपनी शासकों ने भारतीय समाज में प्रचलित सती प्रथा बालिका वध के विरोध किया और विधवा विवाह में भी पक्ष में नए कानून बनाए गए। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए भी विचार किया। शिक्षित वर्ग को दिया गया कानून के समाज के रूढ़िवादी का वर्ग की बाहरी विरोध किया गया। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार को रूढ़िवादी इतना सिंचित थे, मतलब ईसाई धर्म लेने वाले ईसाई लोग क्या चाहते थे कि हम भारत में अपना ईसाई धर्म लागू करें और सबको ईसाई धर्म अपनवाएं। इनके सबके परिणाम स्वरूप भारतीय जनमानस में अंग्रेजी शासन के प्रति शंका और अविश्वास की भावना बढ़ती गई और आगे भारतीय सैनिकों में असंतोष होता गया। भारतीय सैनिकों में असंतोष क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेजों ने सेना अधिकांश सैनिक भारतीय थे, किसान परिवार हमेशा रहते थे, उसे समुद्र के बाहर मतलब समुद्र पार करने के बाद लड़ाई के लिए भेजा जाता था, युद्ध करने के लिए भेजते थे। आखिर में उसके फैमिली या उसके परिवार वाले कोई भी चिट्ठी पत्र ना मिलने के वजह से उन लोग असंतोष रहते थे। इसमें भारतीय सेना असंतोष छाने लगा। 1856 में भारतीय सैनिक को एनफील्ड राइफल और नए कारतूस प्रयोग के लिए दिए गए, मगर इन कारतूसों को खोलने के लिए दांतों से काटना पड़ता था, इसलिए भारतीय सैनिक नाखुश थे। क्योंकि वो कारतूस किससे बनते थे? गाय के मांस और सुअर के चर्बी से मिली हुई थी। इस कारण उनकी धार्मिक भावनाओं में को ठेस पहुंचती थी और हमेशा वो ब्रिटिश शासन के असंतोष के कारण बने। अब अगला है असंतोष एवं दावानल। दावानल का मतलब होता है कि एक साथ मिलकर युद्ध किया गया, प्लानिंग किया गया। जैसे कि 29 मार्च 1857 की बात थी कि जब कलकत्ता में निकट बैरकपुर में एक फौजी छावनी में सेना की परेड चल रही थी। क्या चल रही थी? परेड चल रही थी। इसी समय सेना के एक सिपाही मंगल पांडे ने नए बंदूक जिसके कारतूस में चर्बी लगे हुए थे, क्या लगे थे? सुअर या गाय के चर्बी लगे हुए थे, मगर प्रयोग करने का इनकार कर दिया। उसके बाद अंग्रेज अधिकारी ह्यूनसन ने इन बंदूकों व कारतूसों के प्रयोग करने का आदेश दिया, किंतु मंगल पांडे ने आदेश को स्वीकार नहीं किया और इस कारण उसे गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। मगर गुस्से में आकर मंगल पांडे ने ह्यूनसन को गोली चलाई और उनसे पास खड़े कई अन्य अंग्रेज अधिकारियों पर भी गोली चला दी। देश में सैनिक छावनी में विद्रोह जंगल की आग की तरह फैल गई और फलस्वरूप 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में पूरी भारतीय पलटन का विद्रोह हो गया, जिससे जेल में बंद अपने साथियों को छुड़ाकर भी दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। कौन किया? मंगल पांडे ने दिल्ली में जो भी जेल में बंद थे उसको छुड़ाकर मेरठ में जो बंदी थे
उसको छुड़ाकर दिल्ली की ओर प्रस्थान हुआ और राष्ट्रों में हजारों लोगों को विद्रोह के साथ आगे बढ़े और दिल्ली छावनी में भारतीय सिपाहियों के इन सैनिकों के साथ आकर मिल गए और मुगल बादशाह बहादुर शाह झफर से नेतृत्व को संभालने की आग्रह की और इससे असंतोष का दावानल आगे बढ़ा। अब विद्रोह का मुख्य बिंदु मुख्य केंद्र क्या है, मतलब शीघ्र ही विद्रोह में आग यूपी मध्य प्रदेश बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ दिल्ली ये आदि स्थान में फैल गई और सैनिकों द्वारा प्रारंभ किए गए विद्रोह को इस किसान कारीगर जमींदार राजा आम जनता भी इसमें शामिल हो गए। इसके मुख्य बिंदु थे, इसमें कौन कौन शामिल हुए थे, जमींदार राजा आम जनता भी इसमें शामिल हो गए। विद्रोह का नेतृत्व कैसे किया, जैसे कि शीघ्र ही विद्रोह सेना ने दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया। दिल्ली के विद्रोह को करके नेतृत्व में समाज सम्राट बहादुर शाह जफर के हाथों में था और उसको संचालन सेनापति बख्त खां ने किया। लखनऊ के अवध में बेगम हजरत महल ने कानपुर के नाना साहब तथा तात्या टोपे झांसी रानी लक्ष्मीबाई बिहार में कुंवर सिंह रोहिलखंड में अब्दुल्ला विद्रोह के नेतृत्व किया। छत्तीसगढ़ में हनुमान सिंह वीर नारायण सिंह में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। यहाँ विद्रोह का काफ़ी व्यापक हुए और काफ़ी विस्तार हुआ विस्तृत हुआ। इससे इन विद्रोहों के आम लोगों की भी बड़ी संख्या में भाग लिया और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बड़ी वीरता से अंग्रेजों का सामना किया और वीरगति प्राप्त की। इस प्रकार उन्होंने आम जनता के अंग्रेजों को विरुद्ध विद्रोह करने का प्रेरणा मिला और इससे आम जनता आगे बढ़ने की कोशिश की। अब है आगे छत्तीसगढ़ में विलुप्त क्या हुआ। रायपुर जिले में बलौदा बाजार के पास एक सोनाकान नामक स्थान है जिसमें वीर नारायण सिंह वहां के जमींदार थे। ठीक है, मतलब जनहित कार्यों में फलस्वरूप लोकप्रिय भी थे। 1856 ईस्वी में सोनाकान में एक भयंकर अकाल पड़ा और उसके अभाव से अन्य धन की भूख के मरने लगे सभी आम जनता। ठीक है, उसके बाद इस कारण वीर नारायण सिंह गिरफ्तार कर रायपुर जेल में बंद कर दिया गया। सन 1857 में रायपुर जेल से भाग निकले, क्यों निकला नारायण सिंह ने बाहर निकले भाग निकले मतलब जेल से भाग निकले। उन्होंने लगभग 500 किसानों को सेना संगठित करके 1 दिसंबर 1857 में अंग्रेजों के सेना के साथ नारायण सिंह ने मुकाबला किया और सोनाकान के पड़ोसी देवरी जमींदार के मदद मांग कर सहायता पाकर अंग्रेजों के वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार किया और बाद में रायपुर लाकर दिखावे में मुकदमा चलाया और 10 दिसंबर 1857 को उन्हें फांसी दे दी। इस प्रकार देश में स्वाधीनता आंदोलन में यह महान सपूत शहीद हो गया। कौन हो गया, वीर नारायण।